नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद वरुण ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में लेके आ चुका हूँ JKSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज़। आपको बता दूँ, JKSSB में जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे साइंस के रिपीट होते हैं 2013 से 22-23 तक जो भी JKSSB एग्ज़ाम्स आपके हुए हैं, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हर बार JKSSB उस टाइप के क्वेश्चन रिपीट करता है, वो क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ चुका हूँ, जो कि आपके अपकमिंग JKSSB एग्ज़ाम, चाहे आपका फॉरेस्टर का हो, सुपरवाइज़र का, और कोई भी JKSSB एग्ज़ाम आपका है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड ऐसे ही फ्री स्टडी मटेरियल एंड डेली अपडेट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के लास्ट में अपना जो मार्क्स हैं वो ज़रूर शेयर कीजिए, कितने आप क्वेश्चंस जो है JKSSB साइंस के बहुत ही आसान पूछता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर द एलिमेंट गोल्ड। तो गोल्ड एलिमेंट जो आपका है, इसका आपको केमिकल सिंबल पूछा गया। राइट आंसर की बात करूँ, AU इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और अगर मैं बात करूँ इस सिंबल यहाँ पर सेकंड जो दिया गया AG, तो आप सभी जानते हैं ये सिल्वर का है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, AU गोल्ड का आपका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रीनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें से कौन सा है। तो रीनेबल सोर्स एनर्जी वो सोर्स है जिनको आप बार बार यूज़ किया जा सकता है। तो राइट आंसर की बात करूँ, ऑप्शन नंबर सी की बात करूँ, सोलर एनर्जी ऐसा है, सोलर पावर जो है आपका रीनेबल सोर्स है, बाकी सारे नॉन रीनेबल हैं, यानी कि जो एक बार आपके ख़त्म हो गए तो उसके बाद उनको प्रोड्यूस करना मुश्किल है। व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो प्लांट्स जो हो लाइट रिसीव करते हैं सन से और उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, किस प्रोसेस से। वो प्रोसेस प्लांट्स में आप सभी जानते हैं फोटोसिंथेसिस होता है, ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विच प्लैनेट इज़ नोन एज रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट किस प्लैनेट को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी है मार्स को, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, मार्स को रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर की pH वैल्यू, pH आपका होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। साइंस क्वेश्चन JKSSB में पूछा गया था, ब्लड का pH वैल्यू क्या है, और यहाँ क्वेश्चंस में आपके लिए लेके आए हूँ pH ऑफ प्योर वाटर, तो ऑप्शन नंबर बी है 7, यानी कि न्यूट्रल लेवल पे रहता है 7। 7 के नीचे जैसे ही ज़्यादा जाएगा तो आपका एसिडिक लेवल बढ़ता जाएगा, और ऊपर जाएगा तो आपका बेस का लेवल बढ़ता जाएगा। विच फोर्स की प्लैनेट्स इन ऑर्बिट अराउंड द सन, आप सभी जानते हैं सन के अराउंड जो है इलेप्टिकल ऑर्बिट्स, सन आपका सेंटर में माना जाता है, तो उसके आसपास जो है इलेप्टिकल ऑर्बिट में जो है प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, तो इनको कौन सा बल जो है, कौन सा फोर्स जो है एक ऑर्बिट पर रखता है, वो आपका ऑप्शन नंबर ए ग्रेविटेशनल फोर्स, ही ऐसा फोर्स है जो हमेशा अट्रैक्टिव रहता है नेचर में, ऑप्शन नंबर ए है ग्रेविटेशनल फोर्स। विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है एक मैटर का, वो ऑप्शन नंबर बी है एटम जो है वो आपका स्मॉलेस्ट यूनिट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप सभी जानते हैं ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व, जैसे लंग्स आपका ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, इनका काम क्या है। तो राइट आंसर की बात करो ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। बिल्कुल सही, ट्रांसपोर्ट जो भी ऑक्सीजन होता है ब्लड में उसको ट्रांसपोर्ट करता है ऑल ऑर्गन्स इन द बॉडी, और डाइजेशन ऑफ फूड में इसका कोई काम नहीं, इसमें आपके जो इंटेस्टाइन का काम रहता है पंपिंग ब्लड टू द बॉडी आपका हर्ट करता है, और एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इसमें आपका किडनी के जरिए भी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स द कन्वर्शन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जांपल भी दूंगा। क्वेश्चन पूछा गया, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें सॉलिड को डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया जाता है गैस में, जिसमें लिक्विड में नहीं कन्वर्ट किया जाता है। तो राइट आंसर की बात करूँ ऑप्शन नंबर बी है सब्लिमेशन, ही एक ऐसा प्रोसेस है। और एग्जाम्पल की बात करूँ, कैम्फर जो है आप सभी जानते हैं, कैम्फर आपने देखा होगा, ये ऐसा है जिसको अब मैं सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको अगर आप बर्न करोगे तो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगा, इसमें लिक्विड स्टेट नहीं आएगा। प्रोसेस है सब्लिमेशन। एवेपोरेशन की बात करूँ, आप सभी जानते हैं लिक्विड को गैस में चेंज किया जाता है, कंडेंसेशन को आप सभी जानते हैं, मेल्टिंग को भी आप सभी जानते हैं, ठीक है, सॉलिड को यहाँ पर लिक्विड में चेंज किया जाता है। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो हमारा है उसका मेन सिस्टम क्या है, तो नर्वस सिस्टम की बात करूँ ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी एक्टिविटीज। जितनी भी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना ही नर्वस सिस्टम का काम है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है इनमें से? राइट आंसर की बात करो ऑप्शन नंबर सी बी है, CO2। ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन जेके सिक्स बी में रिपीट हुआ है, CO2 इसका राइट आंसर है। विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द बॉडी सेल्स ऑफ अ सिंगल पेरेंट विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स? तो गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। टाइप पूछिए रिप्रोडक्शन की बात करो ऑप्शन नंबर बी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? रिसेंटली जो एग्जाम हुआ उसमें रेजिस्टेंस का इलेक्ट्रॉनिक यूनिट पूछा गया था, सभी के बताऊंगा। इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी है, एम्पियर इसका राइट आंसर है। बी डी वोल्ट की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, ओम की बात करें तो रेजिस्टेंस का होता है, वाट की बात करें तो पावर का एसआई यूनिट होता है। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन जो है वो प्लांट के किस हिस्से से होता है? राइट आंसर की बात करो ऑप्शन नंबर ए है, लीव्स के जरिए होते हैं, इसमें स्टोमेटा होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ किडनीज इन द ह्यूमन बॉडी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किडनीज का क्या फंक्शन रहता है ह्यूमन बॉडी में? तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल्स से काम नहीं है, ये काम आपका होता है इंसुलिन पेनक्रियाज से। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड वेस्ट रिमूवल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, किडनीज जो है ब्लड को फिल्टर करते हैं एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स आप सभी जानते हैं, लीवर प्रोड्यूस करता है, ये बाइल जूस हो गया, और रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर ये भी नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका है ऑप्शन नंबर बी, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड वेस्ट रिमूवल। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स? फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए न्यूटन की बात करें, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है। जूल की बात करूँ एनर्जी का है, वाट आपका पावर का है, किलोग्राम आपका वेट का है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर ऑफ लाइट? तो प्राइमरी कलर ऑफ लाइट कौन सा नहीं? ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन जो है एक लाइट का प्राइमरी कलर के अंडर नहीं आता है, ग्रीन कलर आपका। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच गैस मेक्स अप द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर? तो अर्थ एटमॉस्फेयर में कौन सा? अगर आपने साइंस फिक्शन मूवीज देखी होंगी तो उसमें बताया जाता है कि नाइट्रोजन के बढ़ने से जो है ऑक्सीजन की कमी होगी और जो लाइफ जो है वो अर्थ वे ख़त्म हो जाएगी। तो राइट आंसर की बात करो ऑप्शन नंबर बी है, सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में, वो ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन राइट आंसर है। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द एंजाइम एमाइलेज इन द डाइजेस्टिव सिस्टम? एमाइलेज का डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन फंक्शन पूछा गया है, तो राइट आंसर की बात करूँ ऑप्शन नंबर सी है, ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स। जो हम फूड जो भी इनटेक करते हैं उसमें आप सब जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स फैट प्रोटीन्स रहता है, तो एमाइलेज जो है एक ऐसा एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबोर्न डिजीज? तो आप सब जानते हैं डिजीजेस, एक वाटर बोर्न डिजीज, एक एयरबोर्न डिजीज। तो एयरबोर्न की बात करो ऑप्शन नंबर ए है, मीजल्स जो है ऑप्शन नंबर ए, ये एक एयरबोर्न डिजीज है। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस द फ्लूइड नोन एज बाइल? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बाइल कौन? तो आपसे ऊपर बताया था आपको, लीवर जो है आपका वो बाइल जूस जो है वो करता है फॉर द डिजेशन ऑफ फ्लूइड, और पेनक्रियाज की बात करें इंसुलिन होता है, गैल ब्लैडर एंड किडनीज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी ऐसी नॉन मेटल है जो कि लिक्विड रहती है रूम टेम्परेचर पे? राइट आंसर की बात करूँ ऑप्शन नंबर ब्रोमीन इसका राइट आंसर। आप सब जानते हैं मरकरी भी है नॉन मेटल जो कि लिक्विड रहती है रूम टेम्परेचर पे, तो इसमें ब्रोमीन ऑप्शंस दिए गए तो ऑप्शन नंबर है ब्रोमीन। ठीक है, क्लोरोफिल एक नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड है जिस किस में पाया जाता है? ऑप्शन की बात करूँ मैग्नीशियम इसका राइट आंसर है। ठीक है, मैग्नीशियम इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन पेंसिल्स? तो पेंसिल में क्या पाया जाता है? पेंसिल्स में जो है ग्रेफाइट पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो कि जेके सिक्स बी एग्जामिनेशन में पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस यूजली फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब? तो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिल की जाने वाली गैस है, ऑप्शन की बात करो नियॉन गैस भी फिल की जाती है। राइट आंसर की बात करो इस ऑप्शन को देखते हुए नाइट्रोजन गैस राइट आंसर है। वॉशिंग सोडा इज़ अ कॉमन नेम फॉर? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वॉशिंग सोडा का कॉमन नेम क्या है? तो वॉशिंग सोडा का कॉमन नेम है सोडियम कार्बोनेट, एंड अगर बेकिंग सोडा पूछा जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट उसका राइट आंसर है। द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ? हार्डेस्ट सब्सटेंस जो अर्थ पे अवेलेबल है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है डायमंड इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही आसान है, लेकिन बता दूँ ये सारे क्वेश्चन जेके सिक्स एग्जाम में रिपीट हुए इसलिए इस पीडीएफ में आपको देखने को मिल रहे हैं। बायोमास इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूल? जो बायोमास है वो उसको फ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है कौन से प्रोसेस से? ऑप्शन नंबर ए है फर्मेंटेशन से।
द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए फ्रीली फॉली बॉडिंग इन 2 seconds वेन इट्स इनिशियल वेलोसिटी वाज जीरो. तो कितना डिस्टेंस होगा एक बॉडी से जो कि फ्री फॉल की कंडीशन में है, टाइम 2 seconds एंड इनिशियल वेलोसिटी जीरो है. तो इनिशियल वेलोसिटी दैट इज यू इज इक्वल टू जीरो एंड टी इज इक्वल टू 2 seconds आपको पूछा है डिस्टेंस. तो आपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/280 स्क्वेयर. ठीक है, यू जीरो हो जाएगा तो यहाँ जीरो बन जाएगा, एस इज इक्वल टू आपके पास आएगा 1/280 स्क्वेयर. एंड फ्रीली फॉल कंडीशन में तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/2 जी की वैल्यू यहाँ पर 9.8 यूज़ करने से टी का स्क्वायर 4 आएगा, 2 × 4 9.2 मल्टीप्लाई अगर 2 करेंगे 9.8 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास आंसर आएगा 19.6 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी. इम्पल्स हैविंग द सेम यूनिट एज दैट ऑफ, इम्पल्स का यूनिट सेम होता है कौन से क्वांटिटी से. इम्पल्स की बात करूँ, इम्पल्स आपको होता है फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम, दैट इज इम्पल्स इज इक्वल टू एफ इन टू डेल टी. एंड द सेम दैट लिनियर मोमेंटम की बात करूँ वो होता है पी इज इक्वल टू एम वी. दोनों के जो इसमें आपके एम एल टी माइनस वन आएगा, इसमें भी आपका एम एल टी माइनस वन आएगा, तो डायमेंशन सेम होती है. ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है लिनियर मोमेंटम. इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल देन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, तो काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी के बीच रिलेशन पूछा गया है. अगर वेलोसिटी को डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का आपने फार्मूला पढ़ा है बेसिक 1/2 mv² स्क्वायर होता है. यहाँ से आपको मालूम पड़ गया है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी स्क्वायर. अगर वेलोसिटी को डबल किया जाता है तो ये हो जाएगा 2² यानी कि 4 times. ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 32 है टाइडल एनर्जी इज ड्यू टू द ग्रेविटेशन पुल. तो टाइड्स जो प्रोड्यूस होती हैं ओशंस में तो किसकी वजह से होती है, टाइडल एनर्जी का रीज़न क्या है. तो आपको बता दूँ ग्रेविटेशन जो पुल होता है आपका मून का अर्थ पे, उससे जो है आपकी टाइड्स प्रोड्यूस होते हैं. ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 33 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ दिस इकोसिस्टम. अबायोटिक कंपोनेंट्स में कौन सा आता है, ऑप्शन नंबर डी. अबायोटिक कंपोनेंट्स में जो है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं एंड ऑप्शन नंबर डी की बात करें ऑक्सीजन इसका राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 34 है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज टेकन टू बी जीरो बिकॉज द अर्थ इज गुड. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा अर्थ का जीरो लिया जाता है क्योंकि अर्थ क्या है, गुड है. क्या है, कंडक्टर. ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है. अर्थ एक गुड कंडक्टर है यानी कि कंडक्टर करंट को पास हो जाता है. बात करूँ जीरो क्यों लिया जाता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आपको बता दूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो वर्क डन है एक चार्ज को इन्फिनिटी से लेके या फिर 1 point से लेके अनदर पॉइंट्स के बीच ले जाने में जो वर्क डन होता है वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. एंड अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थ कंसिडर किया जाए तो वो हमेशा आपको जीरो ही लिया जाता है बिकॉज अर्थ क्या है, एक गुड कंडक्टर है. तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है. बाकी आज के क्वेश्चन इतने ही थे. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. धन्यवाद.